दोस्तों, आप अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल करके आ रहा है और सेंट मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके आप अगर किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम चला जाएंगे अपना मोबाइल के स्क्रीन पे और सेंट मोबाइल ऐप को ओपन करके लॉगिन होके कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट किया जाता है उसके बारे में दिखाएंगे। देख सकते हैं अभी हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे हम खोल लेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है, सेंट मोबाइल ऐप है, वो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डालना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग का यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड यानी एम पिन, जो 7 डिजिट का एम पिन होता है वो डालना पड़ेगा। डाल के लॉगिन हो लीजिए। मैं ये चीज अभी कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। फिर हमारे को करना है बिल पेमेंट, यानी मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेमेंट करना है। तो इसलिए हम करेंगे बिल पेमेंट एंड रिचार्ज इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक। अभी हम बिल पेमेंट एंड रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बिल पेमेंट एंड रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आपके सामने खोल के आ जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा एड ऑब्लिक इंस्टेंट पे BBPS बिलर। तो इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा बिलर कैटेगरी। बिलर कैटेगरी में हम क्या क्या है देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए मेरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और दूसरा पॉइंट में हमको आपको सिलेक्ट करना होगा बिलर का नाम। तो बिलर नाम आपका यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। मेरा असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं अपना बिलर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ और बिल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो इस जगह पे आप दो काम कर सकते हैं, एक आप रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरा इंस्टेंट पे कर सकते हैं। मुझे फिलहाल अपना अभी का अभी पे करना है, तो इसलिए इंस्टेंट पे के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इंस्टेंट पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंज्यूमर आईडी डालना होगा। मैं अपना कंज्यूमर आईडी को यहाँ पे डाल देता हूँ और जो एक रिमार्क है, आप चाहते तो एक रिमार्क यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं रिमार्क में एक इलेक्ट्रिसिटी बोल के दे देंगे, इलेक्ट्रिक बिल। ये रिमार्क जो है आपको जानने के लिए, कभी आप स्टेटमेंट है वो चेक करेगा तो ये चीजें इस हिसाब से दिखाई देगा। तो सबमिट के ऊपर अभी क्लिक कर दीजिए। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका बिल अमाउंट को फिच करेगा अपना कंपनी का सर्वर से। ये अपना बिल अमाउंट को फिच करेगा। देखिए मेरा बिल अमाउंट है 284। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एक ही अकाउंट नंबर है यहाँ पे दिखाई देगा, तो मैं अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या रिमार्क है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सिलेक्ट करूँगा। फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना होगा, वो डाल लीजिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लिया, रिमार्क सिलेक्ट कर लिया, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया। फिर पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए एक पॉपअप मैसेज आपका यहाँ पे शो किया है, सक्सेस योर रेफरेंस नंबर ट्रांजेक्शन इज ये। मतलब आपका मैसेज मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा, जो आपका बिल पेमेंट हुआ सक्सेसफुली वो मैसेज भी आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे आप सेंट मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे पेमेंट करते हैं उसके बारे में पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार।